हर जगह की कोई ना कोई फेमस लोकल डिश होती ही है फ्रेंड्स, वैसे ही हमारे लातूर की फेमस लोकल डिश है निलंगा राइस। आप कभी लातूर साइड आएंगे तो आपको ये निलंगा राइस के ठेले जगह जगह मिल जाएंगे। 15 रुपए में, 20 रुपए में प्लेट ये दिया जाता है, जो पेट भरकर खाना है फ्रेंड्स, एकदम हेल्दी है। और वही टेस्ट वाला, वही कलर वाला निलंगा राइस हम बनाएंगे कुकर में 10 मिनट के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मायशास किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी निलंगा राइस की एक मजेदार सी रेसिपी, जो बहुत ज्यादा टेस्टी है, बनाने में भी आसान है, बहुत ही कम सामग्री के साथ आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज आज का वीडियो एंड तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है 1.5 कप इतना चावल। चावल जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो कोलम चावल इस्तेमाल किया है, जो कोलम राइस होता है ना मार्केट में, ये इजीली अवेलेबल होता है फ्रेंड्स। आप चाहे तो आपके घर में जो चावल आप खाते हैं उसे भी ले सकते हैं। 1.5 कप इतना यहाँ पर चावल, और 1/2 कप इतना मैंने यहाँ पर मसूर दाल ली है। निलंगा राइस बनाने के लिए स्पेशली मसूर दाल का इस्तेमाल किया जाता है। रेशियो पर ध्यान दीजिए, अच्छे से 2 से 3 पानी से इसे हम वॉश कर लेंगे। वॉश करके इसे हमें बिल्कुल भी भीगने के लिए वगैरह छोड़ना नहीं है, इंस्टेंटली हमें इसे यूज करना है फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होगा ना, मसूर दाल बहुत ज्यादा भीग जाएगी, इसीलिए हमें इसे बिल्कुल भी भिगाना नहीं है, इंस्टेंटली इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें थोड़े से वेजिटेबल्स लेने हैं फ्रेंड्स। तो वेजिटेबल्स में मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है, एक मीडियम साइज का यहाँ पर प्याज लिया है, 3 टमाटर लिए हैं, थोड़ी सी फ्लावर, 1/2 गाजर लिया है। इतनी ही चीजों का इस्तेमाल करके ये निलंगा राइस हम बनाने वाले हैं। फिर भी अगर आपको इसमें से एक आधा सब्जी पसंद नहीं है तो उसे स्किप कर दे, और जो सब्जी आपको एडिशनल इसमें ऐड करना है, जैसे कि मटर आप इसमें डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जो पसंद है ना उसे डाल दीजिए। सारे सब्जियों को काट लिया है, इसी के साथ दरदरा पीस करके 1 चम्मच इतना अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है फ्रेंड्स। अभी हम डायरेक्टली कुकर में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून इतना ऑयल। कुकर में हम डायरेक्टली ये राइस बनाने वाले हैं तो बहुत ही झटपट से बनकर के तैयार हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा मजेदार भी। 1 छोटा चम्मच इतना डालेंगे राई, और 1 छोटा चम्मच इतना डालेंगे जीरा। जीरा और राई अच्छे से चटकने के बाद इसमें हमें डालना है 1 चम्मच इतना अदरक लहसुन का पेस्ट। एकदम फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसे भी हम थोड़ी देर तक चला लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन यहाँ पर निकल जाए, और अदरक लहसुन जब हम इस तरीके से ऑयल में भूनते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसका एक अलग ही टेस्ट, अलग ही फ्लेवर आता है। थोड़ी देर इसे भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हमें 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनना होगा ताकि प्याज का भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और प्याज भी यहाँ पर हमारी सॉफ्ट हो जाए। बस 2 मिनट तक इसे भूनने के बाद देखिए प्याज का कलर देखिए, बिल्कुल ये अभी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, ज़्यादा भी ब्राउन कलर प्याज का करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। अच्छे से प्याज यहाँ पर भूनने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे सारी सब्जियाँ, जो सब्जियाँ हमने काट करके ली थी ना, वो सारी सब्जियाँ इसमें डाल दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर आलू डाला बारीक कटा हुआ, गाजर डाला, कॉलीफ्लावर डाली, और अभी डाला है ये टमाटर। इसी के साथ डालेंगे 2 छोटे चम्मच इतने नमक। बेसिक लेवल पे यहाँ पर 2 छोटे चम्मच इतना ही नमक मैंने डाला है ताकि सब्जियां भी यहाँ पर इस नमक से अच्छे से पक जाती है, इसीलिए फर्स्ट स्टेज में 2 चम्मच इतना नमक डालेंगे। डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चियां तोड़ करके। तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा, वैसे भी मैंने बच्चों के हिसाब से ये निलंगा राइस बनाया है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर तीखा ज्यादा भी रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डाल दीजिए 20 से 25 करी पत्ते, एकदम फ्रेश करी पत्तों का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अच्छे से इसे 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे ये धोकर रखे हुए चावल और दाल। ये देखिए चावल और दाल को जब इस तरह से हम सब्जियों के साथ ऑयल में भूनते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इस तरीके से ये निलंगा राइस एक बार घर पे जरूर बना करके देखिए, यकीन मानिए ब्रेकफास्ट हो या बच्चों का टिफिन, ये रेसिपी सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। टेस्टी है, इंस्टेंट भी बनती है, और एकदम यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स। आपने अगर आज तक ये निलंगा राइस खाया भी नहीं होगा या फिर नाम भी नहीं सुना होगा तो एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। तो देखिए सारे मसालों को, सारे सब्जियों को और चावल और दाल को 2 मिनट तक भूनने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इतना देसी घी। यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ डालिएगा 1 छोटा चम्मच इतना बिरयानी मसाला, कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कीजिए, स्पेशल मसाला इसमें कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, बस बिरयानी मसाले से ही इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसी के साथ ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच इतना ऑरेंज फूड कलर, एकदम डार्क ऑरेंज फूड कलर यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। इससे जो है ना निलंगा राइस को बहुत ही अच्छा कलर आएगा, जिस तरह का ठेले वाले लोग बेचते हैं सेम उसी कलर का ये बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप ना
कोई और फूड कलर का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपके पास फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। और पानी की मात्रा देखिए इसमें कितनी डालनी है। हमने यहाँ पर 2 कप इतना चावल और दाल लिया है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 कप इतना डालना है पानी। नॉर्मल पानी यहाँ पर मैंने 3 कप इतना डाला है पानी, इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। फिर भी अगर आपने घर के जो आप रेगुलर चावल खाते हैं उसके हिसाब से आप इसमें पानी डालिएगा, लेकिन कोलम राइस के लिए 3 कप इतना पानी सफिशियंट है। इसमें उबाल आने के बाद एक बार टेस्ट करके इसमें नमक डाल दीजिए। पहले भी हमने नमक डाला था, टेस्ट करके 2 छोटे चम्मच इतना नमक मैंने फिर से इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। और देखिए कुकर में जब भी हम चावल बनाते हैं ना, तो उसे अच्छे से उबाल आने दीजिए, तभी उसे लीड से कवर करके पका लीजिए। नहीं तो आप अगर डायरेक्टली लीड से उबाल आने के पहले ही कवर करके पका लेंगे तो उतना अच्छा सा वो टेस्टी भी नहीं बनेगा, और नीचे वाला लेयर अलग बनेगा, ऊपर वाला मसाले का लेयर अलग बनेगा। तो लीड से कवर करके बस मीडियम फ्लेम पर इसकी हमें लगानी है 4 सीटियां। सफिशियंट है, 4 सीटियों में ही अच्छे से पक जाएगा। 4थी सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से ठंडा होने तक यानी भाप पूरी तरीके से निकल जाने तक वेट करेंगे। अभी देखिए भाप पूरी तरीके से निकल चुकी है, लीड को हटा देंगे। ये लीजिए जी, एकदम बढ़िया कलर वाला खिले खिले चावल वाला बढ़िया सा निलंगा राइस कुकर में 10 मिनट के अंदर बन करके तैयार है। देखा ना फ्रेंड्स कितना आसान तरीका है। फेमस रेसिपी यानी लातूर की फेमस रेसिपी आप कुछ ही मिनटों में घर में बना करके तैयार कर सकते हैं। एक बार बना करके तो देखिए, कम सामग्री में बनने वाली एकदम सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी है फ्रेंड्स। आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, या फिर हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। यकीनन आपके फैमिली वालों को आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। एक बार बनाइए फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा वीडियो मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करें, और मायशास किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं जी अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार से रेसिपी के साथ। धन्यवाद।